हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखा था। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, आ की मात्रा के शब्द पढ़िए और लिखिए। देखिए, न पर आ की मात्रा है तो इसे क्या बोलेंगे? ना। और ता पर भी लगी तो ता, और दोनों को मिलाकर क्या बना? नाता, नाता। खा ना, खाना। माता, माता। दा ना, दाना। ना ला, नाला। अब देखिए आगे, पा ना, पाना। अब देखिए, यह ज पर आ की मात्रा है लेकिन ग पर नहीं है। जा को कैसे बोलेंगे? जा। और गा को ग, क्योंकि ग पर आ की मात्रा नहीं है। तो दोनों को कैसे बोलेंगे? जा ग। वैसे ही आगे है रात, रात। अब देखिए, यहाँ पर है ता रा, तारा। अब देखिए, यहाँ न पर नहीं है तो ना को हम आ करके नहीं बोलेंगे। मान, मान। उसके बाद घास, घास। मा ला, तो दोनों को मिलाकर बना माला। अब देखिए, यहाँ ल पर नहीं है आ की मात्रा। बाल, बाल। उसके बाद नाक, नाक। काम, काम। अब इन शब्दों को आपको अपनी कार्य पुस्तिका यानी कि नोटबुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। अगली क्लास में आपको इन्हीं शब्दों का मैं शुर्त लेख लूंगी, तो आपको ये अच्छे से बार बार पढ़ने हैं और पढ़कर इन्हें कार्य पुस्तिका में लिखना है। फिर अगली क्लास में आपका शुर्त लेख होगा। बाय बाय।